हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि बकरियों के पैरों में इंजेक्शन किस तरह से लगाया जाता है। क्योंकि हमने जितने भी प्रैक्टिशनर है या जितने भी पशुपालक है, तो उन सबको पता है कि इंजेक्शन जो है वो गर्दन में लगाए जाते हैं, चाहे वो लार्ज एनिमल हो जैसे कि गाय भैंस हो, तो उनमें भी गर्दन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। सबक्यूटेनस इंजेक्शन भी गर्दन की चमड़ी में ही लगाए जाते हैं। तो आज हम बकरियों में, खास करके जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, तो उनमें हम इंजेक्शन जो लगाते हैं वो भी गर्दन में ही लगाते हैं, चाहे सबकट इंजेक्शन हो या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो। तो जैसे कि इंट्रामस्कुलर, सबकट और इंट्रावेनस, ये जो रूट्स है, तीनों रूट्स सबको पता है। और लार्ज एनिमल में और जो स्मॉल रूमिनेंट्स होते हैं, तो उनमें जुगलार वेन में जो इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाए जाते हैं और नेक में इंट्रामस्कुलर और सबकट इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, तो उसमें हम बात करेंगे कि बकरियों में जो पीछे के पैर होते हैं, तो उसमें इंजेक्शन किस तरह से लगाए जाते हैं और उसके लगाने का सही तरीका क्या है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और इसका फ़ायदा ये भी है ये कि जैसे कि हम जो बहुत ज़्यादा इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो अगर हम गर्दन में लगाते हैं, खास करके बकरियों में, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बकरियाँ बहुत चिल्लाती है। और बहुत सी बकरियाँ ऐसी भी होती है कि वो गर्दन में इंजेक्शन लगाने ही नहीं देती। तो ऐसे बकरियों के लिए, या फिर जो इरिटेंट ड्रग है, तो उसका इरिटेशन कम करने के लिए जो पैरों के, यानी कि जो रेयर लेग्स होते हैं, पीछे वाले पैर जो होते हैं, तो उसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बहुत आसानी से और बगैर कॉम्प्लिकेशन के दे सकते हैं। अगर वहाँ पर हम गलती करते हैं, तो वहाँ पर पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सही तरीके से पीछे के पैरों में इंजेक्शन हम किस तरह से लगा सकते हैं, इसका वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जब भी बकरियाँ बीमार होती है, तो हमें उसे इंजेक्शंस लगाने के लिए, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो जितने भी प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर जितने भी पशुपालक होते हैं, तो उनको भी पता होता है कि उनके पास जो भी लार्ज एनिमल हो या जो स्मॉल रूमिनेंट्स हो, जैसे कि बकरियाँ हो, गाय भैंस हो, तो जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो ज़्यादातर नेक रीजन प्रेफर करते हैं और नेक रीजन में ही ज़्यादातर वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाते हैं। इसके अलावा हम जो लार्ज एनिमल होते हैं, तो उनमें नेक के अलावा जो बैक रीजन होता है, जिसे हम आम भाषा में पुट्ठा कहते हैं, तो पुट्ठे में भी इंजेक्शन लार्ज एनिमल में लगाए जा सकते हैं। तो सबको पता है कि जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है, तो लार्ज एनिमल हो, स्मॉल एनिमल हो, यानी कि रूमिनेंट जो भी हो, तो उनमें हम जुगलार वेन में इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं। और ख़ास करके जो नेक रीजन में इंट्रामस्कुलर और सबकट इंजेक्शंस लगाते हैं। तो नेक रीजन इसलिए प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर मसल्स भी होती है और वहाँ पर जो स्किन होती है वो लूज भी होती है। लेकिन हम बकरियों में जो पीछे के पैर होते हैं, तो वहाँ पर भी इंजेक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि हम डॉग्स में लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अंगूठा जहाँ पर है, तो वहाँ पर मसल जो है वो सेपरेट हो जाती है, यानी कि दो मसल्स होती है। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में मैंने नीडल उसमें इंसर्ट की है, तो इस तरह से बकरियों में हम पीछे के पैरों में इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो वो जो गैप होता है जहाँ मेरा अंगूठा था, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर
जो मसल होती है, तो दो मसल का वहाँ पर सेपरेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पर बीच में से नर्व जाती है। तो गलती से अगर हम जो गड्ढा वहाँ पर बनता है, तो उस गड्ढे में हमें गलती से भी निडल इंसर्ट नहीं करनी है। तो आप दोबारा से देख सकते हैं, मैं दूसरा इंजेक्शन लगा रहा हूँ, तो निडल की जो डायरेक्शन है हमें पीछे की साइड में रखनी है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ, यानी कि पूंछ की तरफ, तो हम वहाँ पर सेफली इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर हम जो डायरेक्शन है निडल की वो अगर आगे की तरफ रखते हैं, या फिर जो गड्ढा बनता है जहाँ पर मैंने अंगूठा रखा था, तो वहाँ पर अगर हम निडल इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पर उसको नर्व इंजुरी होने के चांसेस होते हैं, और नर्व इंजुरी अगर हो जाए तो बकरी पैरालाइज हो सकती है। तो इसीलिए इस तरह से अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे आपने देखा, तो हम सेफली वहाँ पर बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के बकरियों में इंजेक्शन लगा सकते हैं गर्दन के अलावा। तो ये हम इसलिए करते हैं कि बहुत बार हमें 2-3-4 इंजेक्शंस लगाने होते हैं, और कभी कभी आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ये बकरी बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं ठहर पा रही है, क्योंकि वो उसको अब गर्दन में इंजेक्शन लगाना बहुत कठिन काम है। तो इस तरह से हम उसके पीछे वाले पैरों में आराम से इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, और इंजेक्शन भी हमें बहुत बार क्या होता है कि 3-4 इंजेक्शन लगाने होते हैं, तो गर्दन में हम कभी कभी 2 इंजेक्शन लगा देते हैं, और 2 इंजेक्शन हम आराम से पीछे वाले पैरों में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पीछे वाले पैरों में बकरियों में इंजेक्शन लगाना है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और आसानी से हम 3-4 जितने भी इंजेक्शन हमें लगाने हैं, तो उतने इंजेक्शन हम आसानी से लगा पाएंगे। तो इस तरह से ये हम लार्ज एनिमल में भी जो पुट्ठा होता है, तो गर्दन के अलावा वहाँ पर भी हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ, तो मैं ज़्यादातर बकरियों को जो पीछे वाले पैर होते हैं वहीं पर इंजेक्शंस लगाता हूँ। तो चाहे वो छोटे बकरी के बच्चे हो या बड़ी बकरियाँ हो, तो उसको आसानी से वहाँ पर इंजेक्शन लगा सकते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा, बकरी पैरालिस भी नहीं होगी, अगर आप ठीक तरह से इंजेक्शन लगाते हैं। तो यही प्रिकॉशन आपको लेना है कि वहाँ पर नर्व इंजुरी ना हो और बकरी को पैरालिसिस ना हो। तो इस तरह से आप अगर सही तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पागल घोड़े से वेतना काय काम है।